महाशिवरात्रि के अवसर पर आज इस महोत्सव में हम सबको अपनी वाणी से प्रेरणा देने वाली राजयोगिनी तपस्विनी रानी दीदी जी इस मंच पर विशेष रूप से उपस्थित मुंगेर प्रमंडल के कमिश्नर श्रीमान संजय कुमार सिंह जी, बेगूसराय नगर निगम की सम्मानित महापौर श्रीमान श्रीमती पिंकी देवी जी, उप महापौर अनीता राय जी, पूर्व महापौर श्रीमान संजय जी, पूर्व महापौर आलोक कुमार अग्रवाल जी, जीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अवधेश बाबू, आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, सेंट जोसेफ के निदेशक मित्र अभिषेक जी, बेगूसराय सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान सुदामा जी, और जिनके प्रयास से और कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, मैं तो उस समय से जुड़ा हुआ हूं जब इस संस्था का कार्यालय कॉलेजिएट हाई स्कूल के बगल में हुआ करता था। उस समय से एक बहुत बड़ी ईश्वरीय प्रेरणा को लेकर के और इस संस्था के विचारों को बेगूसराय के नगर ही नहीं समस्त बेगूसराय के आंचलिक गांव में भी ले जाने वाली बहन कंचन जी, जो भ्राता अविनाश जी, जो बहुत अच्छी बातें हम सबको कहा, और संचालक श्रीमान भाई कृति जी, आप सबको मैं अपनी ओर से ऐसे कार्यक्रम की सबसे पहले बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बड़ी संख्या में यहां लोग, शहर के गणमान्य और प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मंच से वो सारी बातें कही गई है, और खास करके दीदी रानी जी से सुनने के बाद उसके बाद कुछ कहना इस पर मुझे लगता है बहुत उचित नहीं है। यद्यपि कल महाशिवरात्रि के कार्यक्रम से संपूर्ण देश और जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में हैं, सबने महाशिवरात्रि का पर्व को मनाया। आज काफी कई चर्चाएं हुई हैं इस मंच से, और ठीक कहा गया है कि भगवान शिव का, जिसे हम भगवान शंकर महादेव कई नामों से जानते हैं, शिव महापुराण में है, वो कहानी बहुत लंबा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब भगवान का विवाह हो रहा था, आप कल्पना करिए, तो आपको ये दो लाइन में मैं कहूंगा कि मंडप जो मरवा बोलते हैं हम लोग, वो बना हुआ था, भगवान शंकर दूल्हे के रूप में थे, माता पार्वती वहां बैठी थी, संपूर्ण देवी देवता वहां बैठे हुए थे, उस विवाह का आनंद ले रहे थे, और जैसा कि जो पद्धति है सनातन में, वैदिक पद्धति है विवाह की, उसमें पुरोहित वर कन्या के पिता को कहता है कि आप पूछिए वर से कि वर का परिचय क्या है, और हिमवान जो पिता थे पार्वती के, सब कुछ जानते हुए भी वो पूछते हैं भगवान शंकर से कि आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना मूल आप बताइए। याद होगा जो विवाहित हैं, ये एक रस्म है, आता है, और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जब यह सवाल पुरोहित के कहने पर राजा हिमवान भगवान शंकर से करते हैं, तो भगवान शंकर चुप हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। हिमवान फिर दोहराते हैं कि आप अपना नाम, गोत्र और मूल बताइए। भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते हैं, पूरी सभा में, पूरे मंडप पर सारे भगवान विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा सब बैठे हुए हैं। नारद जी उसमें उठ करके कहते हैं कि हिमवान आप क्या पूछ रहे हैं, ये शिव हैं, न इनका मूल है, न इनका गोत्र है और नाम, न इनका नाम है, लेकिन लोग इनके हजार नाम से जानते हैं। ये वही शिव हैं जिनका न रूप है न रंग है,
लेकिन लोग इनको सभी रूपों में मानते हैं, पूजते हैं। और यही वो शिव हैं जो एक कीट पतंग से लेकर के और ब्रह्मा तक के प्रतिपालक हैं, और जितने भी जीव हैं सबों में शिव स्वयं स्थापित हैं। और यही मैं समझता हूं आज इस मंच से संदेश है कि हम सभी शिव बनकर, शंकर बनकर, शिवो हम कि मैं ही शिव हूं और शिव का अंश हूं, इस बात को मान करके अगर आप अपने जीवन को जीने को चलेंगे तो मैं समझता हूं। और भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को लेकर के देवताओं में भी और राक्षसों में झगड़ा हुआ, देवताओं में भी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन अमृत कितना अपने हिस्से में लेगा। लेकिन विष जब निकला तो भगवान शंकर ने कहा कि यह विष अगर इसका हटाया, इसको नहीं गया तो निश्चित तौर पर पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी विष के प्रभाव से। और यह विष जब तय हुआ कि यह विष कौन धारण करेगा, भगवान शंकर ने, शिव ने कहा कि यह विष मैं धारण करूंगा। आज भी परिवार के अंदर, आप यहां सभी पारिवारिक लोग बैठे हुए हैं, आज भी परिवार के अंदर जो सहन करता है, जो विष पी लेता है, आगे चलकर लोग उसी का सम्मान समाज में करते हैं, परिवार में करते हैं। और यह संदेश भगवान शिव का है। जब मां काली रौद्र रूप में राक्षसों का संहार करते करते जब बढ़ रही थी, मां काली का मतलब जब स्त्री, जब वह रौद्र रूप में आ जाती है, भगवान शिव ने एक संदेश दिया। आप देखे होंगे काली जी की मूर्ति, जहां भी तो काली अपने रौद्र रूप में है और भगवान शिव लेटे हुए हैं, और एक पैर काली का भगवान शिव के छाती पर है, और जैसे ही पैर गया मां काली का जीव निकलता है और अफसोस करती हैं। यह भी परिवार को एक बड़ा संदेश देने वाला है कि घर की महिलाएं अगर उस रूप में आ जाए तो घर के पुरुष को पूरे विनयवत होकर के झुक जाना चाहिए उसके सम्मान में, तो महिला निश्चित अफसोस करती हैं, स्त्री अफसोस करती है। एक समाज को संदेश देने वाले ऐसे कई प्रकरण हैं, मुझे उतना ज्ञान नहीं है इस पर बोलने का, मैंने धृष्टता किया है, समय लिया है इस पर बोल करके। लेकिन इन चीजों को आज मुझे लगता है कि कई वर्षों से पूरे देश नहीं, दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और इसकी खासियत यह है कि मैं तो माउंट आबू भी गया, कि महिलाएं इस संस्था का संचालन समाज के उन विषयों को लेकर के, समाज के सभी सरोकारों को लेकर के, जिसमें अविनाश भाई ने कहा एक समर्थ और मजबूत भारत के निर्माण के लिए, बहन कंचन जी कह रही थी एक प्रोजेक्ट की बात की कि आध्यात्मिक आधार पर जो हमारे भारत का सांस्कृतिक अवधारणा है उसके आधार पर भारत को कैसे दुनिया के सामने मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जाए, यह काम आज देश की ऐसी संस्थाएं कर रही है जिसकी संचालिका आज महिलाएं हैं, और इसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है, इसकी परिकल्पना भी गीत के माध्यम से की गई कि सतयुग फिर आएगा, राम और कृष्ण जैसे पुरुष आएंगे, और हर नर नारायण होगा और हर महिलाएं लक्ष्मी होगी। उस समाज की परिकल्पना अगर दुनिया में कोई कर सकता है, धरती पर कोई कर सकता है, तो वह भारत की भूमि है, और हम सभी भारत के लोग इस बात को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति।